तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका फाइन आर्ट यानी कि पेंटिंग का जो सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप चित्रकला बोल सकते हैं, और चित्रकला सैद्धांतिक करके आपका पेपर आएगा कल, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा जो कल आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, यानी कि 18 मार्च, जी हाँ बच्चों 18 मार्च 2023 को जो कल आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपको ये सैंपल पेपर बहुत ज्यादा मदद करेगा। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस पेपर के अंदर, इसमें से काफी आपका जो इस सैंपल पेपर में से काफी क्वेश्चन आपके कल के पेपर में रिपीट हो जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और इसी पेपर के पैटर्न में, मतलब ये जो पेपर का पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, यही पैटर्न में कल का आपका पेपर आने वाला है। तो इसलिए भी आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मोस्ट डिमांडेड वीडियो है। बहुत सारे बच्चे कमेंट में डिमांड कर रहे हैं कि सर हमारा कल का पेपर है, कुछ कराइए कुछ कराइए। तो देखो भाई, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं कि आपको मैं एक सैंपल पेपर दे सकता हूं, और ये सैंपल पेपर सीबीएसई ने आपको प्रोवाइड करवा रखा है, उसको मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका कल का पेपर का एक तैयारी भी हो जाएगा। तो इस वीडियो को इसी बात पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार की वीडियोज हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए करे, और आपकी जो तैयारी है आपका जो कल पेपर होने वाला है उसके लिए और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। न केवल जो कल पेपर होने वाला है बल्कि आने वाले जो भी आपके पेपर होने वाले हैं उनकी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके, क्योंकि हम लोग आपके लिए अधिक से अधिक सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाते हैं ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट का, ठीक है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है हमारा, सब्जेक्ट है फाइन आर्ट, जिसको आप पेंटिंग भी बोलते हैं, चित्रकला सिद्धांतिक करके आपका ये पेपर आएगा। और ये जो पेपर होगा फाइन आर्ट का, ये 2 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो हमारे रहने वाले हैं वो 30 रहने वाले हैं, यानी कि 30 नंबर का आपका ये पेपर आएगा। बात करूं अगर आपसे आपके बोर्ड के पेपर की, तो आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, जैसा कि एग्जांपल के लिए मैंने लिख रखा है JSK 1, यहाँ पर आप देखेंगे तो सेट नंबर लिखा हुआ रहता है। आपका जो पेपर आएगा मुझे लगता है सिर्फ एक सेट में आएगा, सेट 4, ठीक है। तो कल अगर आपने पेपर दे दिया होगा तो एक बार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा कि आपके पास कौन सा सेट का पेपर आया था, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कोड नंबर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, उसके नीचे कुछ बेसिक बातें देखने को मिलेंगी, जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको टोटल 7 प्रश्न यानी कि 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और कल पूछा भी जाएगा, ठीक है। टोटल 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही पैटर्न सीबीएसई ने दिया है। उसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा, इंग्लिश में जिसको जनरल इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। सामान्य निर्देश के अंदर वही बता रखा है कि जो आपका पेपर है वो 3 सेक्शन के अंदर बटा हुआ होगा, सेक्शन A, B और C, ठीक है। सेक्शन ए यानी खंड ए के अंदर बता रखा है 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सेक्शन बी यानी खंड बी के अंदर आपसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेक्शन सी जो होगा आपका, जिसको आप खंड सी भी बोल सकते हैं, उसके अंदर 6 अंक का मतलब उस तरह से क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पर ईच क्वेश्चन करके इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही चीज आपका इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। इंग्लिश में अगर आप इसको रीड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें रही जो कल आपका पेपर होने वाला है फाइन आर्ट का, उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन सबसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे MCQ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, वो पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन क्या है कि लघु शैली की उत्पत्ति राजस्थान में कहां से हुई और इसने अपनी मौलिकता यानी कि जिसको ओरिजिनलिटी बोल सकते हैं उसको अंतिम समय तक बनाए रखा, ठीक है। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, ये जो ओरिजिनेट हुआ था हमारा, ये राजस्थान के मेवाड़ से हुआ था, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा आपका कि वेयर डिड जो है सो की मैजिक स्टाइल ओरिजिनेटेड इन राजस्थान एंड इट मेंटेन इट्स ओरिजिनलिटी टिल द लास्ट टाइम। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा मेवाड़ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12 मासा की विषय वस्तु के साथ लघु चित्र पर आधारित है, तो किस लघु चित्र पर आधारित है ये, तो वो है आपका 12 महीने के लघु चित्र पर ये आधारित है। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है कि पहाड़ी पेंटिंग मुख्य रूप से प्रभावित थी किस शैलियों में स्कूल के उत्परिवर्तन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुगल और राजस्थानी, यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा बच्चों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। क्योंकि देखिए ये जो पेपर है सीबीएसई ने ये सैंपल पेपर इंग्लिश मीडियम में जारी किया था, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना, फिर सेट करना, उस हिसाब से डिजाइन करना बहुत मेहनत लगता है, कई घंटों का काम होता है। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो आपके लिए तो लाइक फ्री है, लेकिन हमारा इससे बहुत मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। तो लाइक जरूर कीजिएगा, चलिए, क्योंकि देखिए आपके डिमांड पर ही ये वीडियो लाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ चौथा क्वेश्चन कि पेंटिंग जो है सो कि फाल्कन ऑन जो वर्ड रेस्ट के शीर्ष पर पाठ किस लिपि में लिखा गया है। तो ये है आपका देवनागरी जो लिपि है, देवनागरी जो स्क्रिप्ट है आपका उसके अंदर। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर पहला वाला रहेगा देवनागरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या है कि दारा सिकोह की बारात की संरचना व्यवस्था में सुंदर महिलाओं को कैसे रखा जाता है, यानी कि जो दारा सिकोह थे उनकी बारात की जो संरचना है, संरचना व्यवस्था जिसको आप कह सकते हैं, तो उसमें जो सुंदर महिलाएं होती थी उनको कैसे रखा जाता था। तो हाथियों पर बैठे हुए इस अवस्था में कह सकते हैं रखा जाता था, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और सिटिंग ऑन एलिफेंट्स, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या है कि किस शैली में साइड लॉक महिलाओं की सुंदरता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जो है सो कि किशनगढ़ की जो शैली है इसके अंदर साइड लॉक महिलाओं की जो सुंदरता है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है बच्चों, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि इन विच स्टाइल साइड लॉक्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स ब्यूटी, तो वो रहेगा आपका किशनगढ़ स्टाइल, ठीक है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि कबीर और रैदास पेंटिंग में किस प्रकार की रंग योजना है। तो ये जो पेंटिंग है बच्चों इसके अंदर एक रंग का ये जो है सो की योजना है, ठीक है। तो सेकंड वाला जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर जो सेकंड है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन क्या है कि लघु चित्रकला से पहले पांडुलिपि पेंटिंग किस प्रकार की जाती थी। लघु चित्रकला, ध्यान दीजिएगा बच्चों, लघु चित्रकला जो है आपका यहाँ पर उससे पहले पांडुलिपि पेंटिंग किस प्रकार जो है सो की जाती थी। तो ताड़ पत्र या ताड़ का जो पत्ता होता था ना उस पर ये पेंटिंग की जाती थी। पांडुलिपि का अर्थ ही होता है हाथों से बनाना, ठीक है, इस तरह से करना। और ये जो होता था पांडुलिपि पेंटिंग ये जो है सो की ताड़ पत्र या ताड़ का पत्ता जो होता है ना उस पर ये की जाती थी। पहला वाला ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर जो हमारे यहाँ फर्स्ट है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे, और इसका आंसर जो आपको देना है 100 शब्दों में देना है कम से कम, ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि शिष्य की अपने गुरु शिक्षक गुरु के प्रति अत्यधिक भक्ति अत्यंत पवित्र है और लालच और धन की सीमाओं से परे है, ठीक है। यानी जो शिष्य होता है, जो स्टूडेंट होता है ना, वो एक टीचर के लिए, एक गुरु जो होता है ना उसके लिए एक भक्त के समान होता है। जैसे हम लोग मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार से एक जो स्टूडेंट होता है ना उसके लिए टीचर बहुत ज्यादा फेवरेट होता है। हो सकता है कि सारे टीचर फेवरेट ना हो, लेकिन आपका कोई ना कोई एक टीचर बहुत फेवरेट होगा, जिसको आप दिल से चाहते होंगे कि यार ये टीचर है जिसने मेरी जिंदगी बदली है, ठीक है। चाहे वो पढ़ाई से हो या फिर कोई बात आपको ऐसी बताई हो आपके टीचर ने जिससे कि आपका लाइफ चेंज हुआ हो, कि हाँ ये बात सर ने ऐसी काम की बोली जो मैं अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, तो वही बातें यहाँ पर बता रखा है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि एक कलात्मक और सरल संरचना में इस विशेषता को दर्शाने वाले डेक्कन स्कूल की पेंटिंग की पहचान करें और उसका वर्णन करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से वर्णन करना है। हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के बारे में बता सकते हैं, जो है सो कि डिवाइन आर और हेलो के बारे में, और कुछ इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पेंटिंग सब्जेक्ट है आपने पूरे साल भर पढ़ा होगा, तो पूरे साल भर पढ़ाए होंगे आप तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे इसके बारे में, ठीक है।
और मेरे से जितना हो पा रहा है मैं आपको अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी बेस्ट लगाइए, ये मत सोचिए कि सर ये चीज ऐसा हो सकता था, ये चीज ऐसा हो सकता था, आपको अपनी तरफ से बेस्ट लगाना है, क्योंकि आपने पूरे साल भर जो पढ़ा है वो कल जो है आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर आपको वहां पर छाप छोड़ करके आना है, ठीक है। एक बच्चा मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहा था, मैसेज किया था कि सर मेरे जो स्कूल वाले हैं वो मुझे बोल रहे हैं कि अगर पेंटिंग में मैं फेल हो जाऊंगा, फाइन आर्ट में मैं फेल हो जाऊंगा, तो सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाऊंगा। तो देखो भाई, आप इसमें फेल नहीं होगे, बकायदा आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। और मैंने ये देखा है यूट्यूब पे कम लोग होते हैं जो पढ़ाते हैं, कुछ है जो बहुत अच्छे टीचर हैं इनके, आपका फाइन आर्ट के, जो पढ़ाते हैं अच्छा, लेकिन हाँ कम लोग हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिए जो है सो कि इस सब्जेक्ट के सैंपल पेपर डाले हैं, मैंने आप देखे होंगे, तो इससे पहले भी मैंने ये सैंपल पेपर डाल रखा था, काइंड ऑफ ये रिविजन टाइप का मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से 110% देना है, और मेरी तरफ से जितना हो पाएगा उतना तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, उसकी तो आप चिंता मत कीजिए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और यहाँ पर आंसर इस प्रकार से लिखना है। और जिस बच्चे को बोला ना आपके स्कूल वालों ने कि फेल हो जाएंगे, तो फेल मत होना भाई, वहां पर लिख के आना, मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि आप फेल नहीं होगे, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया बेसिकली, कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए, चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, कि समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से परिष्कृत डेक्कन स्कूल महिलाओं को महान खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत करने में सफल है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण और खेलों के महत्व पर आधारित पेंटिंग की पहचान करें और उसका वर्णन करें, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि चांद बेबी, ठीक है, पोलो खेलते हुए और सजाए गए घोड़े, डेक्कन स्कूल, प्रकृति का चित्रण, इस तरह से आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, कि दो प्रसिद्ध कलाकारों और भाइयों मंकू और जसु की नैन सुख ने पहाड़ी स्कूल में शैली को परिष्कृत करने के लिए लोगों को जसु की पैतरेबाजी करने में बहुत योगदान दिया, ठीक है। अपने शब्दों में लिखे कि वे परम भगवान कृष्ण को एक मित्र और आम व्यक्ति के रूप में चित्रित करने में कैसे सफल रहे, जो नीचे दिए गए चित्रों में से किसी एक के संदर्भ में अपने सभी दोस्तों और परिवारों की देखभाल करते हैं। तो आपको इस प्रकार से आंसर लिखना है, गोपियों और गोपियों के साथ कृष्ण के संदर्भ में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पीताम्बर, कृष्णाकृति, वेशभूषा, हाथ जोड़े, मुस्कुराते हुए चेहरे, शाश्वत और दिव्य प्रेम, आभूषण, स्त्री रूप, भक्ति, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके आगे चले तो यहां पर आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया बेसिकली, कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे, कि नंद यशोदा और कृष्ण स्वजनों के साथ वृंदावन जा रहे हैं, अब उसके संदर्भ में आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पीताम्बर, कृष्णाकृति, वेशभूषा, इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में होता है, तो हिंदी में ट्रांसलेट करने में 19-20 का फर्क हो जाता है, तो वहां पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में होता है, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना काफी कठिन होता है, लेकिन आपका इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट रहता है कि हम आपके लिए लेकर के आते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, चौथा क्वेश्चन, कि एकता ताकत है, यानी एकता, यूनिटी जो है एक ताकत है, अजय पुरुष प्रकृति के साथ कुश्ती कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में मानव श्रम के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं, इस संदर्भ में आपको आंसर लिखना है, कि इसकी संरचना और तकनीक के आधार पर इस कलाकृति का वर्णन करें। तो आपको कुछ इस प्रकार से वर्णन करना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया बेसिकली, कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, कि अपने पाठ्यक्रम में शामिल, यानी आपका जो सिलेबस है उसके अंदर शामिल, ग्राफिक प्रिंट पर प्रकाश डाले जो गरीबी से घिरी अकेली रह गई महिला के दर्द और पीड़ा का प्रतिनिधित्व करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है, इस प्रिंट को इसके सौंदर्य मानकों के आधार पर वर्णित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आंसर होगा कि दीवारों, प्रिंट, खोखला चेहरा, दर्द, पीड़ा, ठीक है, अच्छी तरह से निर्मित महिला रूपी गरीबी, तो इस प्रकार से आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि रंगों और तकनीक के प्रयोग के विशेष संदर्भ में नीचे वर्णित कलाकार द्वारा बनाई गई कलाकृतियों में प्रमुख भावनाओं को पहचाने और उनकी सराहना करें। ठीक है, यानी जो रंग है और जो तकनीक है, जो टेक्निक्स है, उनके द्वारा विशेष संदर्भ में जो कलाकार द्वारा बनाई गई कलाकृतियां, जो कलाकार लोग जो कलाकृतियां बनाते हैं, तो उनके बारे में आपको वर्णन करना है। राजा रवि वर्मा के बारे में यहाँ पर है, ठीक है, तो इनके बारे में आप वर्णन कर सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि क्रोध, गुस्सा, बिजली और गरज, ठीक है, बहती धोती, यथार्थवादी, चित्र, विनाशकारी, समुद्री लहरें, इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया बेसिकली, कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है। अवीन्द्रनाथ टैगोर, आपने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सुना होगा, यहाँ पर अवीन्द्रनाथ टैगोर जी दे दिया, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। इसके आगे चले तो अगला छठा क्वेश्चन है कि बच्चे के प्रति माँ का विवाद प्रेम और बच्चे द्वारा महसूस की गई करुणा और देखभाल को निम्नलिखित चित्रों में सफलतापूर्ण दिखाया गया है। नीचे दी गई किसी एक पेंटिंग का उसकी संरचनागत व्यवस्था के आधार पर वर्णन करते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। माँ और बच्चे के बारे में आपको बताना है, तो सबसे पहले थीम आएगा, बोल्ड आएगा, लाइंस, मिट्टी के रंग, इस तरह से यहाँ पर आपको यहाँ पर करके दिखाना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया बेसिकली, कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है, मदर टेरेसा के बारे में आपको बताना है। ठीक है, वही चित्रों के संबंध में होगा बेसिकली, तो अमूर्त आंकड़े हमें देखने को मिलता है, बोल्ड लाइसेंस, ब्लू बॉर्डर, खोखले चेहरे, प्यार, करुणा, इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर जो रहेगा आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। बच्चों इसके नीचे चले तो अब लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमसे यहाँ पर पूछे जाएंगे और यहाँ पर आंसर जो आपको देना है ये कम से कम 200 शब्दों में देना है। हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर। यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर है सातवां क्वेश्चन कि राजस्थानी जो है सो कि मिनिएचर पेंटिंग स्कूल से पुरुषों और महिलाओं द्वारा जानवरों के प्रति मित्रता और सम्मान को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि राजस्थान का मिनिएचर पेंटिंग जो है उसके अंदर स्कूल से पुरुषों और महिलाओं द्वारा जानवरों के प्रति जो मित्रता है कि जानवरों से इंसान बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। अब कुछ बातें बता रहा है, पेंटिंग और उसके कलाकार का नाम बताइए, उप विद्यालय जो है उप विद्यालय और मध्यम और तकनीकी के बारे में बताइए, विषय वस्तु के बारे में बताइए, संरचनागत व्यवस्था के बारे में बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मारू रागिनी करके एक होता है ना, जैसे मारू रागिनी, भालो रागिनी, इस तरह से होता है ना, जैसे राजस्थानी लैंग्वेज में होता है, तो उस तरह से यहाँ पर बता रखा है मारू रागिनी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे होता है ना, एक प्यार भरा वर्ड है यार, मारू रागिनी। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। इसके आगे चले तो यहाँ पर आपको जो है सो कि अगला देखेंगे तो देखने को मिलेगा चौगन खिलाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, सजाए गए घोड़े, चमकीले रंग, नारंगी जो है सो कि करके रंग का उपयोग, बैल के आकार का घाघरा, सरपट घोड़ जो है सो कि दौड़ते घोड़े, आभूषण सजी राजकुमारी, पीछे की और बड़ी आकृतियां, जोधपुर उप विद्यालय कलाकार दाना। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। ठीक है, क्योंकि आपने पूरे साल भर ये सब्जेक्ट पढ़ा है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर जो आपको लिखते चलना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बी में भी एक क्वेश्चन पूछ रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप देख सकते हैं। कृष्ण उठा रहे हैं गोवर्धन पर्वत, वो क्या बात है भाई, कृष्ण जी उठा रहे हैं गोवर्धन पर्वत, दारा सिखों की बारात, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के मध्य में भारतीय कला के पुनरुत्थान पर एक निबंध लिखिए, आपके उत्तर में शामिल होना चाहिए बंगाल कला का विकास और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ा देने वाली इसकी भूमिकाएं, स्वतंत्र आंदोलन में भारतीय कलाकारों जो है सो कि उनकी भूमिकाएं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीकात्मक अर्थ, तो ये सारी चीजें इसके अंदर काउंट करके एक निबंध आपको लिखना है, तो कुछ इस प्रकार से आप निबंध लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर हमारा जो पेंटिंग का सैंपल पेपर था वो समाप्त होता है बच्चों, फाइन आर्ट का। आई होप कि आपको समझ में, बस बच्चों यही था आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इतने कम समय में जितना मेरे से हो पाया मैंने अपना 110% दिया बच्चों,
बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो ऐसे ही हम आपके लिए डिमांड वाला जो सब्जेक्ट होगा उसका भी सैंपल पेपर जरूर लाएंगे, इससे बहुत मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोज हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, और भी बेटर तरीके से हम आपके लिए वीडियोज लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके आपको क्या करना है, ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए करे, और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम, और ऑल द बेस्ट सभी को। अच्छे से पेपर करना, फोड़ के आना। जय हिंद।